भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं को योगी सरकार के सिंचाई व यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के विधानसभावार पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अंगवस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, बीजेपी विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक शीतल पांडे सहित बड़ी संख्या में विधायकगण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत के लिए गोरखपुर क्षेत्र के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए सिंचाई व यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान एवं परिश्रम का नतीजा है कि भाजपा को यह प्रचंड बहुमत मिला। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिंचाई व यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, सरकार के सिंचाई मंत्री, गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय माननीय धर्मपाल सिंह जी, गोरखपुर लोकसभा के संयोजक रहे आदरणीय श्री रामजीवन मौर्य जी, बांसगांव के सम्मानित संयोजक रहे आदरणीय नित्यानंद मिश्रा जी, चेयरमैन आदरणीय रमाकांत किसान जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सम्मानित सदस्य आदरणीय जयप्रकाश मिश्रा जी, हिंदू युवा वाहिनी के जिले के अध्यक्ष और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय शंकर यादव जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भवानीता चंद जी, क्षेत्र के सम्मानित चेयरमैन श्री महंत सिंह जी, हमारे पदाधिकारीगण, मेरे सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, हम विपक्षी दल को हराने में कामयाब। इसी प्रकार बंधुओं, बांसगांव लोकसभा अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को एक बार संबोधित करके आशीर्वाद प्रदान करने राज्य मंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारे सामने उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ता बहनों को आज ये सम्मान समारोह है। सम्मान एक मान के साथ किया जाता है। आज हमारे मन में आया, आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, आज जनपद गोरखपुर के जिले से संबंधित अधिकारियों की बड़ी बैठक, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो अपने माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, गोरखपुर के कार्यों को विकास की गति देने के लिए, क्योंकि मार्च से आजाद बंधुओं में आप सभी को, जनपद गोरखपुर के सभी कार्यकर्ताओं बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बड़ी श्रद्धा से आपके चरणों में प्रणाम भी करता हूँ कि आपने अच्छा से प्रणाम देने का काम किया है। बहनों भाइयों, इस समय वास्तव में चुनाव हो रहा था, हम यहाँ 2 मई को आए थे, उस समय परिस्थिति कुछ भिन्न दिखाई दे रही थी, फिर कार्यकर्ताओं से बात हुई और सबकी लगन और निष्ठा से अप्रत्याशित परिणाम मिला है, तो इसलिए मुझे लगा कि चुनाव के पहले हम बोल रहे थे हम आप चुनाव जिताओगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, तो लगा कि अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। आज मैं आपके गले में विजय की माला डालकर आपको उत्साहित और आपका अभिवादन करना चाहता हूँ, इसलिए आपके समय के लिए मैंने याचना की कि आप Gracias.
देखिए, गोरखपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था पार्टी के द्वारा। जनपद गोरखपुर का प्रभारी मंत्री होने के नाते सभी कार्यकर्ता पूरे तन्मयता के साथ लगे और माननीय मोदी जी के नाम पर, योगी जी के काम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन जी प्रचंड बहुमत से जीत कर गए, इसलिए कार्यकर्ताओं का आज भव्य स्वागत किया गया और उनका अभिनंदन किया गया।